आज राजधानी लखनऊ वासियों को योगी सरकार की तरफ से सौगात मिली है। एयर एशिया इंडिया की आज लखनऊ से उड़ान सेवा का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने एयर एशिया को लखनऊ बेंगलुरु गोवा से जोड़ने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने बताया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक नई गति दी है। उन्होंने कहा कि इससे आम नागरिकों के साथ साथ विकास और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का मौका मिला है। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के सहयोग के साथ लाभ मिलेगा। 5 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है। इसी के साथ ही दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और गोवा के लिए फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है। अभी तक लखनऊ एयरपोर्ट से रोजाना 100 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की फ्लाइट का संचालन होता है। इसमें बड़ी संख्या में इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट शामिल है। यहां से सालाना 55 लाख से ज्यादा यात्रियों का आना जाना होता है। इसने उत्तर प्रदेश के विकास में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन भी किया है। लोग आम नागरिक के आवागमन को सहज और सरल भी बनाया है। अकेले लखनऊ के अंदर 2017 में हमारी जो लखनऊ का की जो कनेक्टिविटी थी वह मात्र 15 शहरों तक थी। 15 वायु सेवाएं यहां से संचालित होती थी, आज वो बढ़कर के 30 से अधिक सेवाएं यहां से लखनऊ एयरपोर्ट अकेले दे रहा है। और बहुत शीघ्र, जैसे भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम बहुत शीघ्र आजमगढ़, म्योरपुर, सोनभद्र में, चित्रकूट, अलीगढ़, देश की राजधानी लखनऊ दिल्ली से जोड़ने के लिए, बेंगलुरु से जोड़ने के लिए, गोवा से जोड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य जो बहुत संभावनाएं हैं उन सभी शहरों को भी हम जोड़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल का लाभ न केवल कंपनी लेगी बल्कि उत्तर प्रदेश के आम नागरिक को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपने संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करने की एक उन्हें भी उनका भी सहयोग लेंगे और उन्हें भी सहयोग देने में अपना योगदान देंगे। मैं साथ ही साथ इस बारे में भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी चाहे वह सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सप्रेस वेज के रूप में हो या फिर रेल कनेक्टिविटी को और बेहतरीन बनाने के लिए, जहाँ इस दिशा में राज्य सरकार अपना सहयोग कर रही है, वही प्रदेश के अंदर सिविल एविएशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर के इन कार्यक्रमों को एक नई गति दी है। और मुझे विश्वास है कि इस संबंध में भारत सरकार का जो सकारात्मक सहयोग हमें अब तक प्राप्त हुआ है, ऐसे ही आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को इसी प्रकार से एक सकारात्मक सहयोग भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा प्राप्त होगा और राज्य सरकार का पूरा सकारात्मक सहयोग उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए होगा। यूपी विधान परिषद की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा लिया है। दोनों सीटों पर बीजेपी की धर्मेंद्र सिंह और निर्मला पासवान निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। 100 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बीजेपी के 75 सदस्य हैं, लिहाजा बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशियों का निर्वाचन पहले से ही तय माना जा रहा था। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ।